अभी अपन ने पढ़ा है आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप में अपन ने आखिर भोजन वस्त्र उनके निवास गृह औजार ये सारी चीजें पढ़ ली। अब है समाज व संस्कृति। तो समाज व संस्कृति में भी अपन ने उसमें बिलों का पढ़ा था। इसी प्रकार इसमें भी है, यह भी इनका समाज भी पितृसत्तात्मक होता है। पितृसत्तात्मक समाज होता है पितृसत्तात्मक का मतलब मैंने कल भी बताया था तुम्हें जब अपने भील जनजाति पढ़ी थी, तो उस इसका मतलब होता है कि जिसमें सबसे बड़ा मुखिया समाज का या घर का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, सभी पूरा समाज एक व्यक्ति को चुनता है और वही उसका कहना मानना पड़ता है, वो पितृसत्तात्मक समाज होता है समझदार व्यक्ति को। अब पिता की मृत्यु के उपरांत उसकी संपूर्ण अचल संपत्ति उसके पुत्रों में बांट दी जाती है। सबसे बुजुर्ग पुरुष परिवार का मुखिया होता है। उन लोगों में सेवा विवाह विनिमय विवाह हरण विवाह या विधवा विवाह का प्रचलन है। ये विवाह के प्रकार हैं इनके, जैसे अपन ने बिल में भी पढ़ा था ना विनिमय विवाह अपर्ण विवाह, ये इसी प्रकार इनमें भी है। ये विवाह के प्रकार सेवा विवाह विनिमय विवाह और हरण विवाह और विधवा विवाह। इन लोगों में विवाह समारोह किसी प्राकृतिक स्थान जैसे जल स्रोत के निकट अथवा आम के वृक्ष के नीचे किया जाता है। इस अवसर पर अनिष्ट से बचने के लिए राम धुनी का आयोजन किया जाता है। गांव के मुखिया को पटेल अथवा मुखादम तथा गांव के चौकीदार को कोतवाल के नाम से जाना जाता है। यह नोट कर लो, गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? पटेल और मुखादम। गांव के मुखिया को क्या कहते हैं ये लोग? गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? ये पटेल या मुखादम। मुखादम ये याद रखना है आपको। कौन कहते हैं? गोंड जनजाति के लोग गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? पटेल या मुखादम। और गांव के चौकीदार को कोतवाल के नाम से जाना जाता है। चौकीदार को किस नाम से जाना जाता है? चौकीदार को कोतवाल, कोतवाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखने हैं, कोतवाल पटेल और मुखादम। ठीक है, गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पटेल और मुखादम। चौकीदार को क्या कहा जाता है? कोतवाल। अब इसमें देखो आगे है, आपसी विवादों का निपटारा इनकी ग्रामीण जो पंचायत होती है उसी में कर दिया जाता है। जो ये होते ना गांव के मुखिया पटेल और मुखादम ही इनकी आपसी झगड़े का निस्तारण कर देते हैं। इसमें अब गोंड लोग द्रविड़ियन भाषा से संबंधित हैं, जिनका समान तमिल है कन्नड़ से है। कई गोंड हिंदी मराठी व तेलुगु भी बोलते हैं। साक्षरता का स्तर देश के औसत से बहुत नीचे है और महिला साक्षरता इनमें नगण्य है। ये अब कुछ लोग अपन ने पिछली जनजातियों में पढ़ा कि वो लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं, लेकिन गोंड जनजाति में अब लोग ये क्योंकि आधुनिकता के अधिक संपर्क में आने लग गए हैं तो ये अब पढ़ने लग गए हैं। लेकिन स्त्रियां अभी भी वो भी स्तर का जो पुरुष पढ़ते हैं वो भी साक्षरता में निम्न स्तर पर है। साक्षरता इनकी निम्न स्तर पर ही है, निम्न स्तर पर ही है। और स्त्रियां तो साक्षरता के नाम पर शून्य नगण्य है। ठीक है, तो अब कुछ लोग पढ़ाई लिखाई शुरू की है इन्होंने समाज के संपर्क में, क्योंकि मैंने अभी बताया जनजातियों में ये सबसे आधुनिक जनजाति है। आधुनिकता से मतलब कि आधुनिक समाज के संपर्क में आके इन्होंने जो जनजातियों वाले गुण थे वो छोड़ दिए हैं और अब ये आधुनिकता के संपर्क में आके विकास कर रही है। गोंड जनजाति के लोग नृत्य व गीतों के साथ पर्व उत्सव मनाते हैं। गोंड पूर्णिमा को चांदनी रात में इकट्ठे होकर गाने में नाचने का पूरा आनंद लेते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों साथ नाचते हैं। धूलिया गोंडों की प्रमुख गायक जाति है। प्रधान गोंडों को मान्यता में इतिहास को उगाकर लोगों को सुनाते हैं। प्रधान की कथा अनुसार जब गोंड के भगवानों ने जन्म लिया तो उनकी भीम ने बेसहारा छोड़ दिया। देवी पार्वती ने उनको सहारा दिया, लेकिन शंभु महादेव ने उनको एक गुफा में कैद कर दिया। गोंडों के नायक पायनी कपाल लिंगन ने देवी ये इनके देवताओं के नाम बताए हुए हैं कि ये लोग पूर्णिमा की चांदनी रात को इकट्ठे होकर अपना गाना बजाना करते हैं और ये अलग अलग देवताओं जैसे शिव पार्वती इन देवताओं में अपनी आस्था मानते हैं। ठीक है, अब इनके आगे है
कौन भूत कौन में मुर्गों को आपस में लड़ाकर अपना मनोरंजन करते थे। ये लोग मनोरंजन के साधन क्या उपयोग में लेते थे, मुर्गों को, क्योंकि पालतू पशु इनके पास जो होते थे ना उनको आपस में लड़ा झगड़ा कर यह उनका मनोरंजन का साधन था। शीतला माता व छोटी देवी माँ भी पूजा करते हैं। ये लोग देव देवता को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरी की बलि देते हैं। अब ये मुख्य बात है कि ये लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपने जो पशु होते हैं भेड़ बकरियां उनकी बलि देते हैं। किसकी बलि देते हैं, भेड़ बकरियों की, भेड़ बकरियों की ये लोग बलि देते हैं उनको खुश करने के लिए, क्योंकि ये लोग अंधविश्वासी तो होते ही। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जो जनजातियां हैं वो अंधविश्वासी होती हैं, तो ये लोग इन अंधविश्वासों में भूत प्रेतों में ज्यादा विश्वास रखते हैं। जागरूक होने का भी इनमें प्रचलन है, रात्रि जागरण करते हैं ये लोग अपने इष्ट देवताओं को करने के लिए, खुश करने के लिए रात्रि जागरण भी करते हैं। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने प्रतिबंध कर दिया था नर बलि पर, क्योंकि इनमें ये नर बलि भी देने लग रहे थे, जिससे कि 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इस पर इन पर बल लगा दिया था। इनकी समाज की क्या क्या विशेषताएं, या पितृसत्तात्मक है, इसमें काफी देवताओं को यह चांदनी रात में पूर्णिमा की जो रात होती है उसमें अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गाना बजाना करते हैं, और इसमें यह पशु पक्षियों की वह नर बलि भी देते थे, लेकिन नर बलि पर 19वीं सदी में अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था अपने देवताओं को खुश करने के लिए। यह शीतला माता, छोटी देवी, अनेक प्रकार के पार्वती, शिव, इन देवताओं में यह आस्था रखते हैं। ठीक है, अब अगला है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। अगला क्या है अपना, चौथा पॉइंट है आधुनिक संस्कृति से संपर्क किस प्रकार है इनका, आधुनिक संस्कृति से संपर्क। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया तुम्हें कि यह आधुनिक संस्कृति से काफी संपर्क में आए, जिससे कि इन्होंने अपने रहन सहन में लिए काफी विकास किया है। अब इन्हें देखो कौन लोगों के आवास क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के कारण विगत 30 वर्षों में श्रमिक कर्म की प्रवृत्ति बढ़ी है। ये लोग औद्योगिक क्षेत्र में भी काम धंधे मजदूरी के रूप में करने लगे, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे तो उतने हैं नहीं, तो ये लोग मजदूरी के रूप में काम धंधे उद्योगों में भी करने लगे हैं, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ हुई है। बड़ी संख्या में लोग खदानों में, निर्माण उद्योगों में श्रमिकों के रूप में कार्य कर रहे हैं। खनन में, निर्माण केंद्रों के समीप इनकी नई बस्तियां बस रही हैं। इन बस्तियों में अस्पताल, विद्यालय, बाजार, बैंक व पंचायतों की स्थापना हुई है। ये सबसे मेन बात है, इनकी बस्तियों में, जिनकी गोंड लोगों की, जनजातियों की बस्तियों में अस्पताल, स्कूल और बाजार, जो सारी आधुनिक सुविधाएं हैं उनका